जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, मैं राहुल नागपाल, अभी आपसे मैंने वादा किया था कि मैं मिलता हूँ एक नई कविता के साथ, और मैं एक नई कविता लिखी है एक हमारे बड़े सीनियर नेता हैं उनके कहने पर, और मुझे भी अच्छा लगा। मैं मेडिटेशन के लिए गया था तो वहाँ पर मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आए थे। ये सरकार जो वर्तमान में है, जो योगी मोदी सरकार देश के अंदर चल रही है, इसमें मुस्लिम और दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, और 2019 में बहुजन समाज की सरकार कैसे बने, उस सारे चीज़ को मैंने ध्यान में रख करके एक दर्द जो है वो लिखने की कोशिश की है। आप लोग, अगर मैंने पूरी हिम्मत के और पूरी शिद्दत के साथ इस कविता को लिखा है, दलित और मुसलमानों को मैंने समर्पित की है, OBC को समर्पित की है, अगर आप लोग उसी शिद्दत के साथ अगर इसको सुन लें और समझ लें, तो मेरा ये कविता लिखना और लाइव करना शायद सार्थक हो जाएगा। मैं सबसे पहले ये कभी किसी बड़े प्रोग्राम में बाद में सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप सारे चाहने वालों को, देश विदेश में जितने मेरे फैंस रहते हैं, सबको मैं ये लाइव कर रहा हूँ। तो आपकी नज़र है ये कविता कि बहुजन आ जाओ अब साथ, बहुजन आ जाओ अब साथ, बहुजन आ जाओ अब साथ, मुसलमान आ जाओ अब साथ, और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन हो जाओ एक साथ, मुसलमान हो जाओ एक साथ। और ये स्थाई और पहला इसका अंतरा सुना कि रोज मुसलमान गाए नाम पर देखो मारे जाते, रोज मुसलमान गाए नाम पर देखो मारे जाते, गुजरात के ऊना में ये दलितों का खून बहाते, रोज मुसलमान गाए नाम पर देखो मारे जाते, गुजरात के ऊना में ये दलितों का खून बहाते। और ये रोहित के कातिल हैं जी, ये रोहित के कातिल हैं, मत देना इनका साथ, मुसलमान दे दो अब तो साथ, बहुजन आ जाओ एक साथ, और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन हो जाओ एक साथ, मुसलमान अब तो दे दो साथ। और एक और सुने, लोग कहते थे कि ये अभी कुछ समय पहले जब मोदी जी की सरकार बनी कि कौन देश वक्त है कौन देश वक्त नहीं है, मुझे तो हंसी आती थी कि जो इस देश का मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते वक्त अपना सर इस माटी पर रगड़ के इस माटी को सजदे करता है, और उसको वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि अगर उनके हाथ इस मिट्टी से छू जाएँ तो डिटॉल से धोकर के साफ करते। मैंने एक दर्द कहने की कोशिश कही, आप लोग सुने कि 5 वक्त की नमाज मुसलमान इस माटी पर पढ़ते, 5 वक्त की नमाज मुसलमान इस माटी पर पढ़ते, सजदा करते इस माटी को, 5 वक्त की नमाज मुसलमान इस माटी पर पढ़ते, सजदा करते इस माटी को, और सीमा पर लड़ते, के 5 वक्त की नमाज मुसलमान इस माटी पर पढ़ते, सजदा करते इस धरती को, और सीमा पर लड़ते, कट्टरपंथी देख रहे हैं, कट्टरपंथी देख रहे हैं, केवल इनकी जात, बहुजन हो जाओ एक साथ, मुसलमान अब तो दे दो साथ, और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, मुसलमान अब तो दे दो साथ, मुसलमान अब तो दे दो साथ। अभी नोटबंदी इन लोगों ने की, साहब बड़े हर्षोल्लास के साथ इन्होंने 1 वर्ष का जश्न मनाया कि मैंने नोटबंदी की है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नोटबंदी में कितना नुकसान हुआ मोदी जी, इसका भी हिसाब बताओ, हम लोगों ने कितना वापस किया उसका भी हिसाब बताओ, और इस नोटबंदी में जो सैकड़ों लोगों की जान गई उसका भी हिसाब बताओ, और जहां मैं रहता हूं वहां एक दुल्हन ने फांसी लगा ली सिर्फ इस वजह से कि उसकी शादी थी और नोटबंदी हुई, कितनी दुल्हनों ने पूरे देश में फांसी लगाई। 2 मिसरे वहां से देने की कोशिश करता हूं, आप सुने कि नोटबंदी में कितनी दुल्हन फांसी झूल गई, नोटबंदी में कितनी दुल्हन फांसी झूल गई, भूखे पेट मरे बच्चों को क्या माए भूल गई, नोटबंदी में कितनी दुल्हन फांसी झूल गई, भूखे पेट मरे बच्चों को
क्या माएं भूल गईं। और मैंने एक हल्का सा इशारा किया, एक नेता का आधा नाम लिया, अगर आप इशारा समझ जाओ तो ठीक ठीक बताना, मैंने पूरी हिम्मत के साथ लिखा है कि नोटबंदी में कितनी दुल्हन फांसी झूल गई, भूखे पेट मरे बच्चों को क्या माएं भूल गई। और एक शाह के बेटे की, कौन है वो शाह, अमित शाह, क्या एक शाह के बेटे की बढ़ती दौलत दिन रात, बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ। और चाहे वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, मुसलमान अब तो दे दो साथ, बहुजन आ जाओ एक साथ। मैं एक बात कहता हूं कि इस देश के जो 85% लोग हैं वो मूल निवासी लोग हैं, और उसके लिए मैंने सिर्फ एक बात कही, एक लाइन से उनको जोड़ने की कोशिश की है कि मूल निवासी तुम भारत के कैसे भूल गए, मूल निवासी तुम भारत के कैसे भूल गए, जुमलेबाजों के जुमलों में कैसे झूल गए, मूल निवासी तुम भारत के कैसे भूल गए, जुमलेबाजों के जुमलों में कैसे झूल गए। और झूठे और मक्कार मदारी, ये जितने भी सत्ता में बैठे हैं, क्या झूठे और मक्कार मदारियों का छोड़ो साथ, बहुजन आ जाओ एक साथ, मुसलमान अब तो दे दो साथ। और चाहे वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन आ जाओ एक साथ, मुसलमान अब तो दे दो साथ। और अंत में दो पंक्तियां आपके लिए पढ़ने की कोशिश करता हूं। इस देश का जो बहुत बड़ा बैकवर्ड समाज है, वो रोज कभी जाट आरक्षण के नाम पर, कभी गुजर आरक्षण के नाम पर, कभी पटेल आरक्षण के नाम पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। रोज मोदी जी उस मामले पर खामोश है, पूरी सरकार खामोश है, और कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। मैंने दो मिसरे लिखने की कोशिश की पूरी हिम्मत से, और आप भी सुने कि सबको हिंदू कहने वाले होते हो तुम कौन, सबको हिंदू कहने वाले होते हो तुम कौन, ओबीसी के आरक्षण पर मोदी जी क्यों मौन। अरे सबको हिंदू, जब हमारा संविधान ये कहता है कि इसमें ये सब धर्मों के लिए देश है, तो ये कौन लोग हैं जो सबको हिंदू कहते हैं। कि सबको हिंदू कहने वाले होते हो तुम कौन, ओबीसी के आरक्षण पर मोदी जी क्यों मौन। और भारत के संविधान के संग में, भारत के संविधान के संग में दो हाथों में हाथ, बहुजन हो जाओ एक साथ, मुसलमान अब तो दे दो साथ। और चाहे वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन आ जाओ एक साथ, मुसलमान अब तो दे दो साथ। चाहे वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी 5 अंतरे बहुत पसंद आएंगे, और ये देश के 2019 के चुनाव में घर घर पहुंचेंगे। हर आदमी इनको ध्यान में रखकर के अपनी सरकार चुनेगा, और खास तौर से दलित मुसलमान और बैकवर्ड के लोग इस कविता को सुने। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म रत्ने।